देने वाली कहानी। एक दिन एक लड़की के पास फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देती है क्योंकि उसे लड़के की फोटो पसंद नहीं आती। लेकिन लड़का बार बार उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है। इसे तंग आकर लड़की उसे ऐड कर लेती है। अब लड़का उसे हर रोज तरह तरह के मैसेजेस करने लगा, कभी गुड मॉर्निंग, कभी कभी गुड इवनिंग, खाना खाया एक्सेट्रा। लड़की उसके मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं देती थी, पर उसके बार बार मैसेज करने पर उसका थोड़ा बहुत रिप्लाई देने लगी। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लड़के का नाम राहुल था और वो शिप पर काम करता था। अभी वो छुट्टियों पर कुछ दिनों के लिए अपने घर आया हुआ था। कुछ दिनों में उसे फिर से अपने काम पर जाना था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और लड़के के काम पर जाने का दिन भी आ गया। उसने जाने से पहले लड़की से अपने दिल का हाल पूछना चाहा। उसने लड़की को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या वो उसे प्यार करती है। लड़की उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो उससे प्यार तो करने लगी थी, पर अभी थोड़ा सा वक्त चाहती थी। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, पर अभी थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। अगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं वापस आने पर तुम्हें जवाब दे दूंगी। लड़का चला गया। पूरा एक महीना गुजर गया, राहुल का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया। लड़की को उसकी बहुत याद आती थी, उसका बार बार मैसेज करना, केयर करना, ये सब उसे बहुत याद आने लगा। लड़की बस उसके कॉल का वेट करती थी और सोचती रहती थी कि इस बार वो राहुल को बोल देगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसे राहुल के प्यार का एहसास हो गया था। एक दिन उसे अनजान नंबर से कॉल आया और उसे जल्दी से फ़ोन उठाया। एक लड़का बोला, क्या आप सोनम बोल रही हैं? मैं राहुल का दोस्त बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल का शिप की सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया था, जिससे उसके सर पर चोट लगी और अभी 3 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। वो हमेशा कहता था कि आप उसे मिस कर रही होगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। राहुल की यही लास्ट विश थी। लड़की फोन रख कर बस रोती रही। टाइम बीत गया, पर आज भी वो लड़की जब फेसबुक ओपन करती है तो इसे इंतज़ार रहता है कि राहुल का मैसेज आ जाए। ये कहानी हमें बताती है कि आपको जिससे भी प्यार हो उसे अपने दिल की बात बताने में देर ना करिएगा। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब।